संभल के खेलना है। अब के अपने को जीतना है। बिल्कुल। अरे तू चिंता मत कर, अब के जीत के दिखाएंगे। इस बार गांव का नाम रोशन करके दिखाएंगे। कर दिखाना है अपने गांव का नाम रोशन। अरे इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, देख लेना। हाँ सही बोला, जीत के आना, गांव का नाम रोशन करना। फिक्र मत करो भाई, धूल चटा कर आऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। तुमने आउट कराया यार। तेरे गांव का नाम रोशन कर दिया। क्या बात है हेमू भाई, इतने उदास क्यों? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपने अकेले कबड्डी जितवा दी। तुमने हम दोस्तों के साथ साथ इस पिंड का नाम भी रोशन कर दिया। अरे फिर भी ये उदासी क्यों काके? बोलो ना क्या हुआ। हेमू भाई तुम उदास हमें अच्छे नहीं लगते, बोलो ना क्या हुआ। कबड्डी जीतना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि बल्कि क्या जीतना चाहते हो आप? मैं भारत माता की आजादी को जीतना चाहता हूं। मेरी भारत मां उन गोरे अंग्रेजों के गुलामों की जंजीरों में बंधी हुई है, उसे उस गुलामी की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कराना चाहता हूं। आजादी चाहता हूं मैं। आपको क्या हो गया है हेमू भैया, ऐसे कौन सी बात हो गई जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? करता शायद तुम जानते नहीं हो, कैसे हुआ ये सब? हेमो, क्या हुआ भीमा? गोली कैसे लगी? भीमा, मेरे भाई। इंसान मर रहे, बच्चे अनाथ हो रहे और नौजवान सूली पे चढ़ रहे। हेमो, हमारे माँ बहन की इज्जत खतरे में। मेरे भाई, गोली किसने मारी तुझे? वही, वही, वही गोरे अंग्रेज ने। मैंने उन अंग्रेज खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे गोली मार दी। हेमो, हमें आजादी चाहिए, आजादी। आजादी। भीमा, भीमा। भीमा।
एक एक कतरे का बदला लूंगा मैं। उन गोरों को उसी समुद्री रास्ते से वापस भेजूंगा जिससे वो आए थे। भीमा, तेरी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत माता की सौगंध व्यर्थ नहीं जाएगी। गोरों, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भाई, हमारे देश के कितने लोग भारत माता की आजादी के लिए रोज शहीद हो रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है। हम अंग्रेजों के गुलाम के गुलामी हैं। इसी सोच को बदलना है हमें। और हम जैसे नौजवानों को आखिर ये सोच लेकर हम कब तक बैठे रहेंगे? आखिर कब तक? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इन गोरे अंग्रेजों को हमारी धरती मां के सीने से उखाड़ फेंकें। हमारी मां चीख चीख कर पुकार रही है, मुझे आजादी दो, मुझे आजादी दो। इन अंग्रेजों ने नाक में दम कर रखा है। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इन गोरों को धरती मां के सीने से उखाड़ फेंकना। इसमें जो भी मेरा साथ देगा मेरे साथ आ सकता है, वरना मैं अकेले ही काफी हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे हम कैसे भारत माता के बेटे हैं जो अपनी माता पर होते हुए जुल्म को देख रहे हैं पर अब नहीं देखेंगे। कसम खुदा की, इन गोरों की गुलामी से देश को आजाद करा कर रहेंगे। हाँ, चाहे हमें क्यों ना जान देनी पड़े। मेरा भी यही मकसद है, भारत माता की आजादी। रब दी सोहेमू भैया, वाहे गुरु दी कसम, इस करतार सिंह का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत माता की आजादी और इन गोरों की बर्बादी। तो ठीक है साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता जय, भारत माता जय। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी, बस नींद नहीं आ रही। जानता हूं, जिसके दिमाग में उथल पुथल चल रही हो उसकी आंखों में उथल पुथल का नजारा देखने को मिलता है। मैं समझ सकता हूं कि नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर है बेटा। मेरी नींद ना आने का कारण तो समझ में आता है पिताजी, पर आपकी नींद को क्या हो गया, कहां गायब हो गई है? बेटा शायद तू नहीं जानता औलाद की चाहत क्या होती है, ये तो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं। पर पिताजी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। औलाद की बेचैनी उसकी आंखों से माँ को सबसे पहले पता चल जाती है, और इसीलिए भगवान ने माँ को भगवान का दूसरा रूप बनाकर भेजा है। जिस माँ बाप को ये मालूम पड़ जाए कि उसका बेटा सर पे कफन बांधकर दुश्मनों की नींद उड़ाने पे तुला हुआ है, तो बेटा उसकी आंखों में नींद कैसे डेरा डाल सकती है। कभी कभी सोचता हूँ हमारा तो एक ही बेटा है, जब ये हाल है हमें तो हर समय तुम्हारी चिंता सताती रहती है, हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। हमारी बेचैनी का ये आलम है, सोचो उस धरती माँ का क्या हाल होगा जिसके कण कण में वीर सपूतों का वास है। उसकी बेचैनी कितनी बड़ी बेचैनी होगी, उसको कितना बुरा लगता होगा, उसका दुख कितना बड़ा दुख होगा। पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान झूलेलाल से यही प्रार्थना करता रहता हूँ, हे भगवान हमारे बेटे की रक्षा करना। पर ये डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम माँ बाप हैं इसलिए। पिताजी, वीर पुत्र के माँ बाप को यह डर कभी शोभा नहीं देता, बल्कि वीर पुत्र की माँ एक निडर संतान को जन्म देती है, और वो निडर संतान माँ का भय नहीं बल्कि उसकी वीरता है, उसकी बहादुरी का प्रतीक है। मेरे लाल, माँ माँ होती है, माँ का दिल बहुत कोमल होता है, शायद माँ की ममता ही डर का कारण बन जाती है। ये सिर्फ तेरा डर नहीं है बल्कि पूरे देश का डर है, पूरे धरती का यही डर है, और इसी डर को तो हमें मिटाना है, हमारा यही लक्ष्य है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश की हर माँ चैन से सो सकेगी, तेरी तरह किसी को जगना नहीं पड़ेगा। माँ मेरे लाल, वो दिन जरूर आएगा। अरे रूपा, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हें तो पता है भैया, जब तक तुम खाना नहीं खा लेते मुझे नींद नहीं आती। रात भर बातें ही करना है या खाना भी खाना है। अरे बहन, भूख तो बहुत लगी है।
लेकिन देखना माँ भय की बातें करने लगी। मेरे लाल वो भय कभी तेरे पास ना आए। ये हुई ना हेमू की माँ जैसी बात। चल रूपा खाना लगा। हाँ भैया चलो। क्योंकि मुझे पता है माँ बाबूजी ने भी खाना नहीं खाया होगा, तूने भी नहीं खाया, सब खाना खाते हैं, है ना माँ? चल चलो चलो आओ माँ चलो। चटर्जी मैं रात दिन यही सोचता रहता हूं कि आखिर इन गोरों से आजादी कैसे दिलाई जाए, इन जालिमों से अपने भारत और भारतवासियों को आजादी कैसे दिलाई जाए। हेमू सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला, और ज्यादा सोचने से इंसान कमजोर और बुजदिल हो जाता है। क्या मतलब? मतलब पानी की तरह साफ है, हमें अपनी सोच को कोई ठोस अमलीजामा पहनाना पड़ेगा। अमलीजामा? क्या मतलब? मतलब हमें जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे अंग्रेजों को यह एहसास हो जाए कि अब उन्हें भारत देश छोड़ना ही होगा। हाँ सही कहते हो चटर्जी, तुम्हारी इस बात में दम है, ऐसा ही करेंगे। हेमू भैया क्या बात है, आपने हम सबको बुलाया? मैंने तुम लोगों को एक खास मकसद के लिए बुलाया। खास मकसद? हमें गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। हेमू हमें उन हिंदुस्तानी दुकानदारों को भी समझाना होगा जो विदेशी सामान बेचते हैं। लेकिन अनवर भाई बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए विदेशी सामान ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ फिरंगी सरकार उन्हें टैक्स पर छूट भी देती है, लेकिन उन्हें देश का साथ देना होगा सुख से या दुख से। तो ठीक है दोस्तों, आजकल देश के कोने कोने में विदेशी सामानों की होलिका जल रही है, और जो दुकानदार हमारा साथ देगा उसे प्यार मिलेगा, लेकिन जो हमारे देश के साथ गद्दारी करेगा उसे जूतों का सत्कार मिलेगा। लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा साथियों। सही कहा, तो फिर इसकी शुरुआत हम आज से करते हैं, बल्कि अभी से करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कौन आप? मैं सुहास चटर्जी। अच्छा आओ जल्दी आओ। आजा, आजा। आओ जल्दी आ जाओ अंदर, जल्दी करो जल्दी करो, आ जाओ। अरे जल्दी करो। आप लोगों को यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं आप, क्योंकि आजकल गोरों की नजर है सब पर। ये तो सच है आपा। आपा ये अनवर, सलाम। ये करतार, जय हिंद। ये अशोक, ये राखी, सलाम। और ये हेमू जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते। तो आप हैं, बहुत सुना है हमने आपके बारे में, इसलिए तो हमारे साथियों ने दिल्ली से यहाँ आपकी योजना में काम करने के लिए भेजा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग अंग्रेजों के हथियारों से भरी ट्रेन को लूटना चाहते हैं, पर शायद आप लोग ये नहीं जानते कि उसमें कितनी तैयारी की जरूरत है। उसकी फिक्र ना करिए आपा, सारी तैयारी हो चुकी है। और इस बार अगर झूलेलाल ने साथ दिया तो इस बार फिरंगियों के हथियार हम क्रांतिकारियों के काम आएंगे। तो फिर आप लोग बाखूबी ये बात भी जानते होंगे कि इसमें जान का खतरा उससे भी ज्यादा है। आपा कोई परवाह नहीं, ये जान तो धरती माँ के लिए हमेशा तत्पर है। आपा हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, कल रक्षाबंधन है, आप हेमू के घर रहेंगी इसकी बहन बनकर, ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है सुहास। हेमू भैया
आपके घर में कौन कौन है? मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी मुंह बोली बहन रूपा और मैं। मुंह बोली बहन रूपा, कहीं हमें उससे खतरा? अरे नहीं नहीं आपा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है, बल्कि वो तो हमारी मदद करती है। ठीक है, तो आओ भाइयों, मेरे हाथ में हाथ रख के ये कसम खाओ कि हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन दगा नहीं करेंगे, और जिसने भी दगा करने का सोचा उसे हम जीने नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। 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 जलियांवाले बाग की कसम, भाई का बदला लेंगे हम। हाँ केशव भाई, बदला लेके रहेंगे हम। अंग्रेजों को मार भगाएंगे, हमारा देश आजाद होके रहेगा केशव भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखा भाई, इसके भाई को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और इसका ये हाल हो गया। अगर ऐसे चलता रहा तो इस देश का क्या होगा? हाँ चटर्जी, झूलेलाल पे भरोसा रख, हमारा देश जल्दी ही आजाद हो जाएगा। हाँ। अरे हेमू भैया, आज बहुत लेट हो गए। हाँ आइए। ये कौन है? ये हमारी क्रांतिकारी साथी हैं, रजिया। रजिया, ये है हमारी प्यारी बहना रूपा। अच्छा, तो ये है रजिया आपा। रजिया आपा, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, सरकार ने आपके परिवार की दलीलों को नहीं माना है, हम सब आपके साथ हैं, बल्कि हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। रूपा, तुम एक बहादुर लड़की हो, और आज से देश की ये बहादुर लड़की मेरी छोटी बहन है। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो हेमू मेरा बेटा है। मुझे अपने इस बेटे पे बहुत गर्व है। हाँ, हाँ पिताजी, हम सबको भी हेमू भैया पे बहुत गर्व है, क्योंकि इस देश को आजाद करने का इन्होंने बीड़ा जो उठाया है। अरे छोटी बहन और बड़ी बहन, बस बातें ही करती रहोगी या कुछ खाना भी खिलाओगी? हाँ हेमू भाई, मेरे पेट में बिना चूहे कूद रहा सी। हाँ अबे पेटू, तेरा ध्यान तो हर वक्त खाने पे ही रहता है। अबे काके। चलो चलो बस करो, खाना तैयार है। तुम सबका पसंदीदा खाना बनाया है, पूरी भाजी। पूरी भाजी, पूरी भाजी, पूरी भाजी। आओ आओ बच्चों, चलो खाना खाते हैं। चलिए खाना खाते हैं। चल पेटू खा ले जी भर के। सौगंध तेनु भारत मां जंजीरों में जकड़ी राखी दी सौगंध तेनु लूट रहे हैं मिलके फिरंगे देश बना है उनका गुलाम देना पड़े तो जान भी दे दे देश के लिए हो जा कुर्बान आजादी का जोड़ा पहना दे राखी दे सौगंध तेरा मेरे वीरा तू मैनु कुछ दे दे राखी दे सौगंध We'll be right back.
जलियांवाला बाग। जुल्म सितम को याद करो तुम, याद करो जलियांवाला बाग। आंखों से निकले खून के आंसू, बदन से निकले तेरे यार। खून के आंसू रोए तिरंगा, गली मोहल्ला वीराना। अपना देश और अपनी धरती, लगने लगी है अनजाना। हमको हमारा हक दिल दी सौगंध तेनु, राखी दी सौगंध तेनु। शहीदों ने सींचा है गुलशन की इस वादी को। लाखों शहीदों ने सींचा है गुलशन की इस वादी को। भारत माँ का नारा लगाते लड़ते रहे आजादी को। धरती माँ का तिलक लगा, हाथ में ले लो अब तलवार। लिख डालो ऐसा इतिहास जिसको पढ़े सारा संसार। परछाई दुश्मन की मिटा दे, रख दे सौगंध। राखी दी सौगंध तेनु, राखी दी सौगंध तेनु। भारत मां जंजीरों में जकड़ी, राखी दी सौगंध तेनु, राखी दी सौगंध तेनु, राखी दी सौगंध तेनु। पागले 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 पागले, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मार डालूगा सारे अंग्रेजों को, मार डालूगा। हट जा सामने से। जलियांवाले बाग की कसम, भाई का बदला लेंगे हम। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। एक एक अंग्रेज को मार डालूगा, घर में घुस के मारूंगा, जहां मिलेगा वहां मारूंगा, मारूंगा, मारूंगा। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पागल 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 हट जाओ, हट जाओ, बम से मार दूंगा, हट जाओ। एक एक अंग्रेज को मारूंगा, हट जाओ। सामने से हट, मैं कहता हूँ हट जाओ, हट जाओ। क्या हुआ भाई, हम लोग अचानक क्यों बुलाया? एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या उन गोरों को हमारे मिशन का पता चल गया? नहीं 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 तो और नहीं तो क्या काके? हमारी रजिया पापा। क्या हुआ?
बोलो भैया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है रजिया आपा को? भैया, आपकी आंखों में आंसू, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। बताइए ना, क्या हुआ आपा को? गोरो को उन पे शक हो गया था कि वो यहाँ क्यों आई है। उनका मकसद जानना चाहते थे। उन्होंने रजिया आपा को गिरफ्तार कर लिया है, ये जानने के लिए कि उनका यहाँ आने का मकसद क्या है। उन पर बहुत जुल्म किया, लेकिन रजिया आपा ने सब जुल्म सहकर भी अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका जुल्म इतना बढ़ गया कि आपा सहन नहीं कर सके, और उन्होंने हमारे मिशन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। क्या रजिया आपा? हे झूलेलाल, ये क्या हो गया? भाई, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। रजिया आपा हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, ये सच है। आप अब नहीं रही। नहीं। लेकिन हेमू भाई, अब हमारे मिशन का क्या होगा? हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा। रजिया आपा जो चाहती थी वही होगा। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आंसू बहाने का समय नहीं है, ईंट से ईंट बजाने का समय है। हम अंग्रेजों को खून के आंसू रुला देंगे। हाँ हेमू भैया। हाँ भैया, जो रजिया आपा करना चाहती थी अब वो मैं करूंगी। हाँ भैया, रजिया आपा के बलिदान को हम खाली नहीं जाने देंगे। हम सब मिलकर उनके मिशन को पूरा करेंगे। मैं तुम दोनों के जज्बातों की कद्र करता हूँ। तुम दोनों इस मिशन में हो, लेकिन उस हथियारों से भरी ट्रेन को लूटने सिर्फ हम जाएंगे। नहीं भैया, नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। बस इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। जल्दी कर यार, जल्दी करो। ट्रेन को लूटना है, किसी के भी करके चार को लूटना है। क्या करता है तुम? ट्रेन को घटता है, मालूम नहीं ट्रेन आ रहा है। अरे स्ट्रीम, फॉलो मी। Don't move. You are under arrest. हम लोगों से बगावत करेगा तू? हिल लड़ाई। You bloody Indian, अब तू नहीं बचेगा। ले चलो इसे, अरेस्ट him. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हेमू, तुम पर इल्जाम है, तुमने अंग्रेजी हुकूमत के साथ बगावत की, रोहिणी विलेज में हथियारों की लूट की, ये गुनाह है। तुम्हें ये गुनाह कबूल है? जज साहिबान, ये बगावत या हथियारों की लूट का मामला नहीं है, बल्कि अपना हक वापस पाने की लड़ाई है। जज साहब, अपराधी हम नहीं, अपराधी तो अंग्रेज हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उसे लूटा है और हिंदुस्तानियों के जीने का सम्मान छीन लिया। जज साहिबान, हिंदुस्तान का तिनका हिंदुस्तानियों का है, और भारत मां की सौगंध, अंग्रेजों से सब कुछ वापस लेके रहेंगे। योर ऑनर, हेमू की बात से साफ जाहिर होता है
कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लूटपाट करने की कोशिश की, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत की। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि हेमू को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। That's all, Your Honor. हेमू, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? जज साहिबान, क्या आपका यही फैसला है? अगर आपका यही फैसला है तो यह ड्रामा क्यों? जज साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, एक हेमू मरेगा तो 100 पैदा होंगे, और बस अब चंद दिन और हैं, चंद दिन और हैं अंग्रेजों के हिंदुस्तान में, उसके बाद ये मुल्क आजाद होके रहेगा। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑर्डर, तुम्हारे केस का फैसला 20 जनवरी 1943 को होगा। कोर्ट इज एडजर्न। इंकलाब, 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 जिंदाबाद। तुम काम क्यों नहीं कर रहा है? बैठे क्यों है यहाँ पे? साहब थक गया हूँ। थक गया है? कितनी बेरहमी से मार रहे हो, इनकी उम्र का तो लिहाज करो। ए, तूने हमारे हाथ से खोला छीन के कैसे फेंका? कौन है तुम? मैं हूँ हेमू कालानी, मैं हूँ हेमू कालानी, जो सुने फिरंगी, सुने फिरंगी, नाम मेरा जो सुने फिरंगी, याद आ जाए नानी। मैं हूँ हेमू कालानी, मैं हूँ हेमू कालानी, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। देश की खातिर जीना मुझको, देश की खातिर मरना, झूले लाल फिर अगले जन्म भारत में पैदा करना, झूले लाल फिर अगले जन्म भारत में पैदा करना। मैं तो दो ही बातें जानू, तीसरी जानू ना, मैं तो दो ही बातें जानू, तीसरी जानू ना, एक माँ जिसने जन्म दिया और दूसरी भारत माँ, जिसने जन्म दिया और दूसरी भारत माँ। काम आए तो देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर, काम आए तो देश की खातिर मेरी ये जवानी। मैं हूँ हेमू कालानी, मैं हूँ हेमू कालानी, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। खून भगत सिंह का मुझ में और भारत माँ की शक्ति, जन्म जन्म करनी है मुझको इस माता की भक्ति, जन्म जन्म करनी है मुझको इस माता की भक्ति। वतन की खातिर हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मरते मरते भी मैं वतन का नाम कर जाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वक्त आया तो देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर, वक्त आया तो देश की खातिर दूंगा मैं कुर्बानी। मैं हूँ हेमू कालानी, मैं हूँ हेमू कालानी, ये है
सुने फिरंगी, नाम मेरा जो सुने फिरंगी, याद आ जाए नानी, मैं हूँ हेमू कालानी, मैं हूँ हेमू कालानी। तुम पर लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित होते हैं, इसीलिए कोर्ट तुम्हें सजाए मौत देती है। जज साहिबान, ये न्याय नहीं अन्याय है। जज साहिबान, जुल्म है। जज साहिबान, अब हिंदुस्तान जाग गया है और अब वो दिन दूर नहीं जब गोरों को उसी समुद्री रास्ते से वापस भेज दिया जाएगा जिससे वो आए थे, और हमारा ये मुल्क आजाद होके रहेगा। इंकलाब, 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 इंकलाब। 21 जनवरी 1943 को सनराइज होने पर तुम्हें फांसी दी जाएगी। Court is dismissed. Inclub! 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 Zindabad! Inclub! Inclub! Zindabad! Inclub! Zindabad! देखिए, हेमू ने बहुत बड़ा क्राइम किया, बहुत बड़ा। कुछ कीजिए हुजूर, आप कुछ कीजिए। लेकिन आप लोग आए तो मैं उसकी सजा कम कराने की सिफारिश ब्रिटिश गवर्नमेंट से करूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। देखिए, मगर हेमू को गवर्नमेंट का साथ देना होगा। वो कैसे हुजूर? उसे अपने साथियों के नाम बताने होंगे। साथियों के नाम? आप फिकर मत कीजिए, सबको कम से कम सजा होगी। तुम समझाओ उसे। हम पूरी कोशिश करेंगे हुजूर, लेकिन कोशिश नहीं, उसे मनाना ही होगा। सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है उसकी फांसी को रुकवाने का। नहीं हुजूर, नहीं, मेरे बेटे को फांसी से बचा लीजिए हुजूर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा एक ही बेटा है हुजूर, मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटे को बचा लीजिए हुजूर। ठीक है, आप उसे समझाइए। हाँ हुजूर, हम उसे किसी भी हालत में मना लेंगे हुजूर। देखिए, आप उसे समझाइए, सरकारी गवाह बन जाए, गवर्नमेंट का साथ दे। पूरी सिफारिश करूंगा मैं, पूरी कोशिश करूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी। पुत्र, एक अच्छा समाचार है पुत्र। अच्छा समाचार? क्या काका, क्या अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं? अच्छा समाचार यह है कि वाइसराय जनाब तुम पर रहम करने को तैयार है। सच काका, सच? हाँ पुत्र, मगर उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कि तुम अपने साथियों के नाम बता दो और सबको फांसी पे चढ़वा दो। नहीं पुत्र, वाइसराय जनाब ने वादा किया कि तुम लोगों को मामूली सी सजा होगी। काका, अंग्रेजों पे आप भरोसा करते हो? पुत्र, काका वो सबको फांसी पे चढ़ा देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं। भरोसा कर वाइसराय जनाब पर, वो तुम्हें फांसी से बचा लेंगे। काका, ऐसे बचने से तो फांसी पे चढ़ जाना ही अच्छा है। पुत्र, एक बार अच्छी तरह से सोच ले पुत्र, वो तुम्हें बचा लेंगे, सिर्फ उनकी एक छोटी सी शर्त पूरी कर दो। बात को समझ पुत्र।
काका, बहुत सोचा है, इसीलिए मैंने देश पे कुर्बान होना तय किया है। और ये जो मेरी लड़ाई है ना, मेरे मरने के बाद भी मेरे साथी जारी रखेंगे, और वो मर गए तो और आएंगे। लेकिन काका, मेरा ये वतन आजाद होकर रहेगा, आजाद होकर रहेगा वतन। पुत्र, मेरी बात तो समझ पुत्र। बस काका, मेरा ये फैसला अटल है, मैं अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा। पुत्र, जान की भिक्षा दे कर मेरा जीवन कर दो बहाल, दुखियन की विनती तुम सुन लो मेरे भगवन झूले। कर दो हमारा कल्याण है प्रभु, कर
तो हमारा कल्याण है प्रभु, दे दो जीवन दान है प्रभु, दे दो जीवन दान है प्रभु। मौत के तलवारों के हरदम, मौत के तलवारों के हरदम बनते आए तुम ढाल। झूले झूले लाल, 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 झूले झूले लाल। हेमू बेटा। माँ। भैया, भैया ये क्या हो गया? इतनी भावुक मत हो बहना, ये तो एक न एक दिन होना ही था। तेरा भाई कोई अनोखा नहीं है। और क्या फांसी पहली बार हो रही है? युगों युगों से इस माटी को मातृभूमि के सपूतों ने अपने रक्त से सींचा है। और याद रखना, मैं मर जाऊं, तू मर जाए, तो भी इस धरती का ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं। इस धरती माँ ने हमें गोद में खिलाया है, हमें पाला है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इसे हम आजाद करा के रहेंगे। मेरे इस प्यारे वतन के लिए 100 जाने कुर्बान है मेरी बहन, 100 जाने कुर्बान है। हेमू, देखो माँ, भावुक मत हो। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो गर्व करना चाहिए कि तेरे बेटे ने अपनी धरती माँ का कर्ज उतारा है। और तूने भी तो मुझे यही सिखाया है माँ, है ना माँ? बेटा, तूने सच में मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। झूले लाल ने 100 पुत्र भी दिए होते तो इस देश पे कुर्बान कर देती। भैया, क्या अंग्रेज सच में आपको फांसी पे चढ़ा देंगे? माँ, आशीर्वाद दे मुझे माँ। मेरे बच्चे, कि अगले जन्म में मैं फिर से तेरे ही कोख से पैदा हूँ और इस धरती पर आऊँ और इस प्यारे वतन के काम आ सकूँ। माँ, आशीर्वाद दे माँ। मेरे लाल, तू अमर रहेगा। झूले लाल तुझे अपना प्रण पूरा करने की शक्ति दे। अरे बहन, आजादी के सपूतों पे यूं नहीं रोया करते हैं बहन। जो काम मैं छोड़कर जा रहा हूँ उसे तुम्हें पूरा करना है। देश को आजाद कराना है, आजाद कराना है मेरी बहन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब रो वो मेरा बच्चा। अपने आप को संभालो माँ, अब जाओ माँ। जाओ माँ, बहन, माँ को ले जाओ। जाओ माँ, मेरा बच्चा। Thank you.
लिख दी वतन के नाम जवानी, याद करेंगे हिंदुस्तानी। कोई वीर था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। लाल फिर अगले जन्म भारत में पैदा करना। मैं तो दो ही बातें जानू, तीसरी जानू ना। किमा जिसने जन्म दिया और दूसरी भारत माँ। काम आए तो देश की खातिर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की खातिर मेरी ये जवानी, मैं हूँ हेमू कालानी, मैं हूँ हेमू कालानी। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ